सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अली ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। वजीर खजाना की अमरीकी सफीर से IMF प्रोग्राम की बहाली में मदद की दरख्वास्त। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मरीन लॉटरी केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदआ मुस्तरद कर दी। तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में ECP ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद आईन के मुताबिक 60 या 90 दिन के अंदर शेड्यूल के तहत इलेक्शन जरूर होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। रुपए की कदर बहाल होने लगी, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। बहावलपुर पुलिस की अपनों को अपनों से मिलाने की रिवायत बरकरार। यंग मैन SHO सिटी मोहम्मद अयूब गुजर ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गुमशुदा 14 साल हवा की बेटी को तलाश करके वालिदैन से मिला दिया। माँ खुशी से निहाल वालिदैन का भरपूर पुलिस को ढेरों दुआएं शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में SHO थाना सिविल लाइन जाबिर लाल बुखारी की बड़ी कामयाब कार्रवाई। ताजर की चोरी शुदा 50 लाख रुपए से जायद की रकम एक हफ्ते के कलील वक्त में बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्वो मोटर ऑयल, शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल। से डालें अपने खानों में जान, आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिप्स स्विस रोल खाए,
किसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खाके मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट्स इस रोल खाए, इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिफ्ट्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। This news bulletin is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदरसा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। ऐवान सदर की प्रेस विंग की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी, जिसका इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन की आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF प्रोग्राम की बहाली में मदद की दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली बारे किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ज़िला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। परवेज़ इलाही को FIA की टीम ने सुब कैंप जेल से हिरासत में लिया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज़ इलाही की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में ECP ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला कर लिया। साबिक PTI रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तोहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फवाद चौधरी को जाती तौर पर पेश होना चाहिए था। फवाद चौधरी 6 जुलाई को जाती हैसियत में पेश हों। बाद हजा कमीशन ने फवाद चौधरी तोहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
वफाकी वज़ीर मंसूबा बंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन के अंदर शेड्यूल के तहत इलेक्शन ज़रूर होंगे। नारोबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को पिछले 4 साल में तबाह किया गया, आलमी सरमायाकारों को भगा दिया गया, अब चीन में बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी करते नजर आ रहा है। मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक जो मुद्दत है इस पर हुकूमत अलहदा होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 290 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। बहावलपुर पुलिस की अपनों को अपनों से मिलाने की रिवायत बरकरार। यंग मैन इन सच्चू सिटी मोहम्मद अयूब गुजर ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गुमशुदा 14 साल हवा की बेटी को तलाश करके वालिदैन से मिला दिया। माँ खुशी से निहाल वालिदैन का बहावलपुर पुलिस को ढेरों दुआएं शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नादिर बुखारी के मुताबिक बहावलपुर एसएचओ थाना सिटी मोहम्मद अयूब गुजर को इत्तला मिली कि 14 साल हवा की बेटी यामना बीबी 19 जून से घर से लापता हो गई है, जिस पर अयूब गुजर और इनकी टीम ने गुमशुदा लड़की को ट्रेस करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल पर हुए कार्ड लाते हुए यामना बीबी को ट्रेस करके वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिदैन जिगर का टुकड़ा सामने देखकर खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने सिटी हासिलपुर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ढेरों दुआएं भी दी। बहावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में एसएचओ थाना सिविल लाइंस आमिर लाल बुखारी की बड़ी कामयाब कार्रवाई। ताजिर के चोरी शुदा 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम 1 हफ्ते के कलील वक्त में बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटीज की जानिब से पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नादिर बुखारी के मुताबिक बहावलपुर थाना सिविल लाइंस पुलिस को इत्तला मिली कि गल्ला मार्केट से एक ताजिर की दुकान से चोरी हो गई है। गल्ला मार्केट में दौरान वारदात दुकान से लाखों रुपए की भारी रकम भी चोरी हो गई है। एसएचओ थाना सिविल लाइंस आमिर लाल बुखारी सोहेल एएसआई ने फौरी मौका पर विजिट किया। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास से मुलजिमान की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए आमिर लाल बुखारी की सरबराही में एक स्पेशल टीम तश्कील दी। थाना सिविल लाइंस पुलिस की स्पेशल टीम ने सीआरओ डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने 1 हफ्ते के कलील वक्त में मुलजिमान को गिरफ्तार किया और 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम गुलाम मुस्तफा जो के कायदे आजम कॉलोनी का रिहायशी है, मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से सिविल लाइंस पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया। डीपीओ ने कहा कि बहावलपुर पुलिस हर सूरत अपने शहरियों और ताजिर बरादरी की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमारा फर्ज है जिसको निभाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। डीपीओ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ सिविल लाइंस आमिर लाल बुखारी और इनकी टीम को शाबाश दी। टीम के लिए तारीफी इस्ताद और नकद इनामात का ऐलान भी किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह ने के बाद। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्वो मोटर ऑयल, शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, एसएम फूड्स and Volca Foods International.